1962 के इंडिया चाइना वार और 2023 के रशिया यूक्रेन वार में क्या कॉमन है? तो देखिए, दरअसल 1962 के वार में भारत ने चाइना के खिलाफ अपनी एयरफोर्स को पूरी तरह से यूज नहीं किया था और जिसका खामियाजा भारत को आज भी भुगतना पड़ रहा है अपने अक्साई चीन और लद्दाख के कुछ रीजन को गवाकर। और आज यही सेम गलती रशिया ने यूक्रेन में भी करी है, क्योंकि जहां पिछले साल सभी लोग ये सोच रहे थे कि रशिया यूक्रेन पर 30 दिनों के अंदर ही कब्जा कर लेगा, लेकिन आज एक साल से ज्यादा वक्त होने के बावजूद भी रशिया यूक्रेन में संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि रशिया ने अपने एयरफोर्स को पूरी तरह से यूज नहीं किया है, क्योंकि जहां रशिया के पास यूक्रेन के मुकाबले 10 गुना ज्यादा एयर पावर है, लेकिन इसके बावजूद भी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अपने एयर पावर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रशिया और यूक्रेन का वार कब तक चलेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।